हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऑफ कोर्स आई थिंक बॉसेस आ चुके हैं, सो वो गाना देख के पता लगा कि रियल बॉस कौन है गाने के अंदर। एक्चुअली इट्स अ मिस्ट्री जो गाने के एंड में खुलती है। सो बॉस लड़की है, लड़का है, सिंगर है, किसके हीरे चोरी हुए किसके पास गए, एंड में किसके पास लड़की गई, वो तो गाना देख के पता चलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन बाय एवरीवन। कुछ अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं सॉन्ग में। यस, आई थिंक मुझे लग रहा है कि लोगों को एक्सपेक्ट है कि ईशान हमेशा रोमांटिक वे में दिखेगा या फिर कुछ डांस करते हुए दिखेगा, बट इस समय मैं चोर हूँ जो कि मैंने इनके हीरे चुरा लिए, तभी मुझे लग रहा है आज सोना पहन के आएंगे। देखो हीरे में ले गया चुरा के, अब वो गाने में देखना किसके पास हीरे मिलेंगे। बॉसेस से जानना चाह रहा हूँ, दोनों बॉसेस मौजूद हैं, कैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट का आइडिया आया? और ईशान, यू नो एवरीवन लव्स ईशान, ईशान जो भी करते हैं लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके देखते हैं, इस बार तो उन्होंने बहुत कुछ अलग किया। आप दोनों से जानना चाहूँगा कैसे कॉन्सेप्ट का जहन में आया, और इट वॉज ऑलवेज देयर इन योर माइंड यू वांट ईशान टू प्ले द लीड मेन यू नो हीरो इन द आई वुड से सॉन्ग। आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू अमरीश जी, बिकॉज हम मिले थे, हमारी एक मीटिंग हुई थी मुंबई में, सो ही वॉन्ट्स टू कास्ट मी इन दैट सॉन्ग पर्टिकुलर। बट आई थिंक वो उन्हीं का कॉन्सेप्ट था कि ईशान को मैं कुछ अलग ही तरीके से दिखाऊंगा, बट वो इतना अलग होगा ये मुझे भी नहीं पता था। एंड बट जब मैंने वो कॉन्सेप्ट सुना एंड जब अभी सॉन्ग सबके सामने आ चुका है, सो आई एम जस्ट लविंग द वाइब एंड आई एम लविंग माई करेक्टर। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा करेक्टर, बिकॉज आई थिंक फॉर ऑडियंस ऑल्सो इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड कि मेरे को इस करेक्टर में लोग देखें। सर निशान भाई ने अगर ज़्यादा कुछ करके दिखाया उसे, इसमें तो मैंने कम किया मुझे लग रहा है बट फिर भी थोड़ी सी झलक आपको देखने को मिलेगी, जो इमरान हाशमी 2.0 को हर वीडियो में लोग ढूंढते हैं, तो वो एक झलक आपको हल्की सी देखने को मिलेगी, बट वो मुझे बताना है कि कहाँ देखने को मिलेगी। Ishan, you are there in the industry for so long and you understand, you know, cinema, you understand film making and the song making. Main kahin, you know, with all due respect, I don't want to make it controversial. Gautam Budh ji hain aur unke niche wo heere rakhte hain, wo utha rahe hain. Kya aap offensive the wo scene karne ke liye ki yaar ye sahi rahega ya galat hai? Pardon? I'm saying there was a scene in the song where, you know, the diamonds are lying just below Gautam Budh, if I'm not wrong. So wo scene ko leke offensive the, kyunki, you know, you never know, somebody comes and object it. आई थिंक ऐसा कुछ हम लोगों के माइंड में आया ही नहीं, एंड अच्छी बात है कि लॉर्ड बुद्धा जी उस सॉन्ग के अंदर हैं, एंड वी जस्ट लव द वाइब ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एंड आई थिंक वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा सेट हो रही थी लॉर्ड बुद्धा की, वो जो स्टैचू है उसमें रखी हुई। सो अभी लेट्स सी हाउ पीपल विल टेक इट, बिकॉज लोगों को तो अभी अगर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करनी होगी तो वो किसी भी बात पर क्रिएट करते हैं, चाहे वो हमारा स्मूथ सीन हो, हीरो की चोरी हो, चाहे वो लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू हो, या फिर हमारे बॉस जी हो और उसमें एक बहुत ही डेविल जैसा डॉग है, उस बात को लेके हो। अभी कॉन्ट्रोवर्सी तो लोगों को अगर क्रिएट करने से दे कैन क्रिएट, आई एम रेडी फॉर दैट। Between two bosses. So there are two bosses in the song. अभी लड़की किसके पास जाने वाली है, बाबा देख लो। सोचो लड़की किसके पास जाने वाली है। वो तो एक के पास हीरे हैं और एक के पास है सोना। सोना कितना सोना है। Then what was the brief and how you came on board? Pardon. I'm saying what was the brief when you came on board on this project? What was the brief? Okay, so it was like all of a sudden it happened. I was back to back that time doing web series, and then I get a call, and special thanks to Sumit, special thanks to Ishan, and I just got it. मतलब एक दिन पहले बताया, next day I was there, and the way it was, the entire shoot was done. It was done in just 7 hours. Yeah, exactly. I just loved it. It was so articulate. Thanks to Amrit, thanks to Sumit. Everything was planned. Like ऐसे होता है ना कि म्यूजिक एल्बम के पहले हम लोग रिहर्सल करते हैं, but everything was like I met Amrit first and it was done in 7 hours. In fact, हम ये भी नहीं बोलते कि show हो रहे हैं. Exactly. So there were in fact fine tuning also which was been made on the day of the shoot, and I just loved it. The way it was been shot in Delhi roads. मुझे पता है जब अमृत
अमित जी ने डिसाइड कर लिया था कि जैनब और ईशान को लेना है बिकॉज दैट टाइम एंड एनी वेज नाउ टिल नाउ द वे वी हैव गॉट लव एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम यू ऑल वी आर द हॉटेस्ट बोल कपल राइट और अमृत जी को तो लेना ही था हॉटेस्ट बोल कपल और ये तो सिर्फ शुरुआत है एंड देर आर मैनी मोर टू कम सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू और आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा इसका ट्रेलर आप लोग सब देखे कि नहीं सुमित बाबा इन द हाउस How's your experience working with Ishan? You know, you share a fantastic chemistry with him. Yes. How's your chemistry? You know, what so our, I guess our journey started 4 years before and I was doing that time back-to-back bridal shoots and when Ishan came and I was laid in a dupatta and a bridal costume, इन्होंने ऐसे करके मेरे दुपट्टे उतारे और बोले Zap, you are not Zainab, you are Zap. Zainab's the next Zap. So that was the journey and after that back-to-back we did shoot and माशाल्लाह माशाल्लाह वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द सेम जोश आई गेस कभी कभी ऐसे होता है ना कि रियल लाइफ कपल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं रियल लाइफ में तो हम लोग का जो बॉन्ड है ना वो इट इज़ मोर देन रील इट इज़ मोर देन शूट वी आर लाइक डिफरेंट वे वी आर कनेक्टेड मतलब ईशान को बोलना भी नहीं पड़ता है कि जैम आज ना शूट में ये करेंगे उसके बाद ना हम लोग का ये सब इमोशंस रहेंगे इट कम्स लाइक इम्प्रॉम्प्टू ऑटोमेटिकली एंड आई जस्ट लव इट व्हाट्स योर टेक What she said just right. Of course she is very right and वो मैंने जैनब के अंदर एक अचानक से एक ग्लैमरस अवतार वाली जो जैब है वो मैंने देख ली थी भले ही जैनब उस दिन गजरा लगा के थी और दुपट्टा पहना हुआ था और यहाँ तक चूड़ियाँ थी हाथ में सो मैंने बोला कि जैनब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक जैब छुपी है और आई थिंक वो बॉस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल गई है एंड लुक एट योर पोस्टर यू लुक लाइक अ ग्लैम दीवा क्वीन जस्ट लव इट What message to the audience, your fans, both of you? From my side, the way they have shown me the love, because my career started when I was in grade 8 and I was doing Bengali movies and South Indian movies. I've done more than 15 movies. Then I took a break. And generally, in this industry, they say that after a break, comeback is very difficult. But the way the industry have loved me and the way they have appreciated me from Dipanita to Zainab and the journey was yes, not that easy. But thanks to my family, thanks to Ishan, thanks to Sahil, special mention to Ishan's brother who has always monitored me, who has always mentored me and told me ki this is just the beginning. So I am sure this is still just the beginning, right? Many more to come and special thanks to my audience. क्योंकि इनिशियली देर वेयर मैनी मोर क्रिटिक्स पर फिर एक कहावत है ना कि जब कोई बोल रहे हैं आपके बारे में तो कुछ तो अच्छा कर रहे हो तभी तो लोग बोल रहे हैं एंड दैट्स वाई आई एम वेरी फॉर्चुनेट आई एम अ सिंगल पेरेंट माई चाइल्ड हैज सपोर्टेड मी ऑल थ्रू आउट एंड टुडे ऑल्सो ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही सेड मामा आई कैनॉट गो टू द क्लब बट यू एन्जॉय जस्ट एन्जॉय योर लाइफ सो आई गेस माई मेन सपोर्ट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम माई सन एंड My lovely audience. It's a very good message on Mother's Day. Yes, especially thank you all. Being a single parent was not easy. Raising a son is not easy. But the way he has supported me and especially this country, India, especially Amchi Mumbai. Because Kolkata mein I am born and raised up. But Bombay se jo pyar mila mujhe, jo single parent hoke bhi jo mujhe sab friends ne support diya. So on this special day of Mother's Day, to all the ladies there, to all the mothers there who are trying their best to raise up their child, a special salute to all the mothers. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much. And I hope all of you will enjoy the evening. And we are going to rock in this beautiful track, Boss Sumit Baba in the house. With Ishan and Zainab. एक तुम्हारा बोल्ड सीन है बॉस के साथ और अचानक से मुझे देखने को मिला जो मुझे भी नहीं पता था कि गाने के अंदर है पर जब वो गाना निकल गया तो नहीं होना चाहिए था मुझे लगा था सिर्फ मेरे साथ स्मूथ सीन है लेकिन बाद में गाना देख के पता लगा इनका तो और भी बोल्ड सीन है दोनों का तो यही तो कहानी है ओह माय गॉड यही तो कहानी है दैट्स व्हाई तो इतने इंप्रॉम्प्टू वो सब एक्ट किए व्हाट द एंजॉय द इवनिंग गाइस
इसमें एक स्टोरी है, सॉरी अमृत जी आपका नाम मुझे इसमें लेना पड़ रहा है। सुमित बाबा एकदम मस्त शूट कर रहे थे, अचानक डायरेक्टर सर बोले कि एक बोल्ड सीन है, तो मैं बोली हाँ ठीक है कोई बात नहीं मुझे स्क्रिप्ट बताए। अचानक सुमित बोले जो जो सिक्योरिटी उनके साथ हमेशा बाउंसर्स घूमते हैं, बोले सब बाउंसर्स चले जाना चाहिए और मेरे बड़े भाई ना इधर नहीं होना चाहिए, फिर मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाऊंगा। मैं बोली बड़े भाई आप प्लीज चले जाइए, नहीं तो आपके छोटे भाई अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। बट देन मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, लाइक ही हैज लाइक ही इज इनटू बिजनेस एंड द वे ही डिड द एक्ट, इट वाज सो आर्टिकुलेट, इट वाज सो गुड, वन शॉट एंड इट वाज डन। Yes, after all he is the boss of the song. And one more thing guys, boss, आपने अगर पूरा song आपने देखे होंगे तो उसमें last में it's still not really revealed what has happened at the end. मैंने बोला सबको आप next song में कुछ भी हो सकता है. Boss 2 is coming up. Yes. Provided the same group is there and with love from you all. बात आप believe नहीं करेंगे, literally बता रहा हूँ मैं. बाकी लॉन्च होने के बाद आप मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और उसमें जो तुम्हारा किस्सा ना वो जैसे ईशान के बारे में बोला जाता है कि इमरान हाशमी 2.0, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। ईशान आप क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? आई एम लविंग इट यार, मतलब मुझे लगता है प्यार सिखाना, बांटना और करवाना तीनों ही चीज़ बहुत अच्छी है, और लोग अगर उस चीज़ को और ज़्यादा प्यार देना तो फिर तो और ज़्यादा प्यार करके दिखाना चाहिए। एंड आई थिंक इस गाने में तो अभी एक ही स्मूथ सीन है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एक ही स्मूथ सीन की ज़रूरत थी। बट मैं चाहता हूँ कि हमारे अगले गानों में 16 किसिंग सीन्स हों, 32 किसिंग सीन्स हों, फिर 7 किसिंग सीन्स हों, सो पीपल विल लव इट मोर। ईशान मैं फिर वहीं पर आया हूँ, गौतम बुद्ध भगवान वहाँ मौजूद है, उनके पास से चोरी हो गई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तभी तो एंड में पकड़े गए, काश भगवान की आंखों के नीचे से चोरी ना हुई होती तो मैं पकड़ा ही ना जाता। क्या आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन हो सकते हैं? कोई यू नेवर नो, कोई आई थिंक वो एक मैसेज भी है कि अगर भगवान के हाथों के नीचे से आप हीरे चुरा के लेके जाओगे तो एंड में पकड़े जाओगे, तो एंड में ना मेरे पास लड़की बचती है और ना हीरे, सो एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज टू एवरीवन। बुरा होता ये एग्जैक्टली वो मैंने जो लॉर्ड बुद्धा के हाथों से जो मैं हीरे चुरा के लेके गया, तो एंड में देखो ना मेरे पास गोलियां बची और ना लड़की बची और सब कुछ लेके चले गए बॉस हमारे। सुमित क्या कहना चाहेंगे बॉस के बारे में? तो बहुत सॉन्ग आप देख ही रहे हो कैसा है, और आप एक भाई ने अमृत भाई ने किया पहले कि चलो एक सॉन्ग करते हैं, तो उसके बारे में किसान भाई को जैनब को लेते हैं और एक कंसेप्ट बनाते हैं कैसा है, तो उसके बाद भाई ने बोला चलो ठीक है करके देखते हैं एक बार कैसा होगा, फिर उसके बाद अब आगे आपने देख ही लिया गाना लॉन्च हो चुका है हमारा, कैसा आगे आगे फिर और चलता रहेगा, अपना जो चैनल है आगे जाना नहीं है इसी पे काम करना। मैंने सॉन्ग के अंदर आपके और जैनब के हॉट सीन भी देख लिया, क्या कहने उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और एंड में आप पूरा चोर पकड़े जाता है और गर्लफ्रेंड भी बिचारी भी गई, क्या कहना चाहेंगे? बाद में ऐसा ही होता है जहाँ पैसा डॉलर दिखता है वहाँ सब। उनका कहने का मतलब है कि बॉस तो बॉस ही होता है, बॉस तो बॉस ही होता है। ईशान ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं विल ऑलवेज लव यू बॉस, और बॉस के मार्फत से एक चीज़ आई है। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आई थिंक पीपल हु ऑल आर वॉचिंग मी ऑन रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर, सो दे आर वॉचिंग माई रील्स इन अ रोमांटिक स्टाइल, इन अ वेरी वाइल्ड स्टाइल, इन अ वेरी सेंशुअस वे, या फिर डांसिंग नंबर्स, बट आई थिंक ये गाने में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा जो कि लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर भी रहे हैं। एंड आई थिंक फॉर मी ऑल्सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स मोर ऑफ एक्टिंग, एंड वो धूम 2 की मुझे याद आ गई मूवी की जो जिसमें जो ऋतिक रोशन है वो चोरी करके लेके जाता है मूर्ति के नीचे से, तो आई थिंक अभी मुझे जब तक इमरान हाशमी 2.0 का टैग मिलता था, सो आई थिंक हो सकता है कि आगे ऋतिक रोशन 2.0 का टैग मिले। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट और क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बहुत अभी देखो इस पार्ट में लड़की हाथ से गई है, अभी यू नेवर नो कि अगले पार्ट में वो लड़की फिर किसके पास आने वाली है और आगे क्या शुरुआत तो हो गई है, आगे दोबारा नए सॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो जो चोरनी है वो आ चुकी है हीरे लेके, हीरे कहाँ, हीरे कहाँ है, जो हीरे कहाँ है, हाउ आर यू, थैंक यू।
व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो सब लोग? हीरे का सेंटर है ना? हीरे का नहीं, नहीं हीरे का है और फिर हीरे का है कुछ हीरो से चेन भी बना ली आज तो मैं लेके जा रही हूँ टोकिंग कि आई हैव टू से वन थिंग भले ही दिल्ली का बंदा है पर दिल्ली दिल वालों का शहर है बॉम्बे से एक कॉल आ जाते हैं और विकी साहब इधर आ जाते हैं That's how you can forgot me. You know how dare you guys? यार आप भूल सकते हैं उसको कैसे रात मुझे लाल आप कुछ नहीं भूल सकते रात में उठ गया अभी क्या आप जो लाल परे बन के आए हो क्या आप सेटिंग हमारी हमारी सेटिंग ये है कि हमने कईयों की लाल क्या मैं जान सकता हूँ कि चलिए विक्की जी क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे किसान साहब पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा पूरी टीम को जिन्होंने इतनी बड़ी मेहनत करी और इतना अच्छा गाना बनाया मैंने गाना देखा और अभी मैं उसको शेयर करूँगा मुझे बहुत अच्छा गाना लगा बहुत ही बढ़िया गाना है मतलब एक गाने का आने का मतलब है कि पूरी टीम वर्क और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा कि इसका ज़्यादा अच्छा था ये इसका अच्छा नहीं था पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है मुझे पता है मैं गाने बनाता रहता हूँ तो एक गाने के पीछे आप सबको लगता है कि ये 2 मिनट का 3 मिनट का गाना है बट वो 2-3 मिनट के लिए बहुत दिनों की बहुत टाइम की मेहनत लगती है हर आर्टिस्ट की मेहनत लगती है इसलिए हर आर्टिस्ट को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अमृत भैया को बोलना चाहता हूँ आई लव यू आप इसी तरह अपना लेवल चलाते रहो और हम साथ हैं बस यही बोलना चाहता हूँ सभी इसी तरह काम करते रहो और सुमित भाई है अपना बहुत बढ़िया और जैनब तो अपनी जान है जान रहेगी और ये मुझे कॉपी करनी है रेड रेड पहन के आए हैं लोग सोचेंगे सेटिंग चल रही है हमारी जी क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के लिए सॉन्ग बॉस बहुत बढ़िया सॉन्ग है और जिसके प्रोड्यूसर हैं अमृत भैया और इन्होंने इसमें एक्टिंग भी करी है मुझे तो देख के बड़ा मतलब हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा कि भैया ने मतलब एकदम बॉस वाला काम किया है बहुत अच्छा लगा मुझे अमृत भैया को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भैया एक आधा गाना मेरा भी प्रोड्यूस कर दो क्यों छोटे आर्टिस्ट हम भी बड़े हो जाएंगे आपके लेवल से बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी टीम को और सुमित मेरा भाई बहुत बढ़िया इसने काम करा है बहुत ही बढ़िया मुझे बहुत अच्छा लगा अभी इसका पहले वाला गाना भी बहुत अच्छा था और ये वाला गाना ही बहुत अच्छा है और आप सबके प्यार से इस गाने को और ज़्यादा मतलब तरक्की मिले प्यार मिले थैंक यू आई लव यू ऑल तो सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे और इस सॉन्ग के बारे में कहाँ से क्रिएशन आया और कहाँ कहाँ से आर्टिस्ट आए हुए हाँ बेसिकली मैं मेरा नाम मुजीम है और मैं एक एक्टर और रनवे मॉडल हूँ ये अभी हम कुछ टाइम पहले बैठे हुए थे एक्चुअली क्या है कि हमारे जो अमृत भैया है वो किंग और रियल बॉस है देखा जाए तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत रिच टाइप है तो वो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि एक पार्टी सॉन्ग होना चाहिए तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को देखते हुए उन्होंने बॉस सॉन्ग प्लान किया और कुछ अच्छे सिंगर जैसे आखिरी सुल्तान बिगबी प्रेसली जिसका बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है और फिर हमें एक पार्टी में मिले दिलजीत पार्टी जो इस वीडियो को डायरेक्ट किया है और एडिट किया बहुत ही अमेजिंग काम है उनका और फिर इस बॉस की शुरुआत हुई और फाइनली आप सबके सामने है ये बॉस पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे सॉन्ग को लेकर बस मैं ये बोलना चाहूँगा बहुत मेहनत लगी है इस सॉन्ग के पीछे सबने बहुत अपना टाइम दिया है और इस सॉन्ग को जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग प्यार दो सपोर्ट करो उसे करो दोस्तों के साथ थैंक यू सो मच